तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी हो गया था, क्योंकि मतलब घर पे गया था तो फंक्शन वंक्शन कुछ पड़ा था शादी वादी का, तो अभी थोड़ा सा उसमें बिज़ी हो गया था। तो गाइस, आज हम लोग आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं कि हम लोग जहाँ पर स्विमिंग करने जाते हैं। आज आप लोगों को मैं लखनऊ के एक एरिया है जिसका नाम मतलब IT चौराहा के आसपास पड़ता है, तो हम लोग वहीं पे आज आपको लेके जा रहे हैं। यहाँ पे एक कॉलेज है या स्कूल है कॉलविन तालुकदार नाम से, तो आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे स्विमिंग करने। आपको स्विमिंग पूल दिखाएंगे और वहाँ से आपको जो वहाँ पे ट्रेनर हैं जो आपको वहाँ पे स्विमिंग सिखाएंगे उनसे भी आपको आज मिलवाते हैं गाइस। तो मैं हूँ और मेरे साथ मेरा दोस्त है, तो आज हम दोनों अभी जा रहे हैं। तो गाइस, अभी हम लोग रास्ते पे हैं, मतलब ऑटो डायरेक्ट मिलती नहीं है यहाँ पे आने के लिए, तो जहाँ से हम लोग ऑटो से उतरते हैं वहाँ से ऑलमोस्ट 500 मीटर्स को पैदल डिस्टेंस चल के कवर करना पड़ता है। तो गाइस, हम लोग चल रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं सीन वहाँ की। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, मतलब ये वो स्कूल जो बता रहा हूँ कॉलविन तालुकदार, तो ये उसी स्कूल की बाउंड्री टाइप की है। ये बाहर ये मतलब आपको जो हिस्सा दिख रहा है ये स्कूल के मतलब पीछे वाले साइड का हिस्सा है, स्कूल का मेन गेट मतलब उस साइड से है। तो ये हम लोग पीछे वाले रास्ते से जाते हैं क्योंकि स्विमिंग पूल यहीं से पास पड़ता है, तो ये एक तरह का शॉर्टकट भी है। तो गाइस, आप लोग रास्ता देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को देख के लगता होगा कि मतलब हल्का गांव वाली टाइप की एरिया है यहाँ पे। और गाइस, धूप बहुत ज़्यादा है, अच्छा हुआ मैंने सनस्क्रीन लगा ली है पहले से। तो गाइस, मतलब हम लोग चल रहे हैं, अब धीरे धीरे पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पर। ये गेट है एक, यहाँ पे गाइस आपको मतलब चारों तरफ ग्रीनरी देखने को मिलेगी, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। गर्मी से बचने का यहाँ पे बहुत बढ़िया बंदोबस्त है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली यहाँ पे बहुत अच्छी है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, ये मतलब कुछ बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे, मतलब कुछ रेड कलर की है, हिस्टोरिकल टाइप का मतलब इसका आर्किटेक्चर है, मतलब आप इसको देखेंगे तो बिल्डिंग लगेगी मतलब काफ़ी पुरानी है, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी मतलब हल्का पुराना ही लगता है, जैसे पुराने ज़माने में बिल्डिंग होती थी वैसे ही है यहाँ पे भी। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा, और ये मतलब माना जाता है कि बरगद का पेड़ मतलब बहुत लंबी उम्र होती है इसकी, ये मतलब 100, 200, 300 साल तक ऐसे ही हरे भरे रहते हैं। तो गाइस, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, 2-3 मिनट और लगेगा। तो गाइस, अभी मैं वहां से आ रहा था, मैंने यहां पे नीचे देखा नहीं, तो यहां पे मतलब पानी आ रहा है कहीं से, ये शायद स्विमिंग पूल वाला पानी ही है जो बाहर निकल रहा है, तो मतलब मेरा पैर उसमें चला गया तो मेरे जूते गंदे हो गए। और गाइस, ये देख सकते हैं हम लोग मतलब बस पहुँच ही गए हैं यहाँ पर, मतलब स्कूल का बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, तो यहाँ पर बच्चे सब क्रिकेट विकेट खेल रहे हैं, एक टीम बैठी हुई है यहाँ पे। तो गाइस, ये आप प्लेग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब बहुत तरह तरह के स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये फुटबॉल का गोल पोस्ट है, यहाँ पे फुटबॉल खेली जाती है। आप थोड़ा सा और मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बास्केटबॉल का कोर्ट भी है और उसके बगल फिर एक फुटबॉल का गोल पोस्ट है, और यहाँ पे बच्चे लोग स्कूल वाले क्रिकेट खेल रहे हैं। और गाइस, मुझे लगता है कि मतलब ये जो ऊंचा सा मतलब कुछ बना हुआ है ये मतलब एक स्टेज टाइप का है, ये मतलब कोई जब कॉलेज का एनुअल फंक्शन या कुछ भी होता होगा तो यहाँ पे इसको स्टेज की तरह बना के शायद यहीं पे होता होगा। तो ये गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं, यही है हमारा स्विमिंग पूल, बस उसके गेट पर आ चुके हैं हम लोग, और आसपास का मतलब खाली खाली एरिया है, बहुत अच्छा सीन आता है यहाँ पे शाम को। अभी तो फ़िलहाल धूप है बहुत ज़्यादा। तो गाइस, ये हमारे दोस्त हैं, ये भी स्विमिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो गाइस, चल रहे हैं हम लोग अंदर अब स्विमिंग पूल के पास। यहाँ पे एंट्री लेते वक्त ही एक आपको बड़ी बढ़िया सा एक्वेरियम दिखेगा यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, लेकिन स्विमिंग पूल पे जाने से पहले हमें यहाँ पे एक एंट्री करनी पड़ती है, कौन कौन आया है कौन कौन नहीं,
तो गाइज मैं आपको एंट्री करता हूँ, उसके बाद आपको पूल दिखाता हूँ। तो गाइज हमारे सर आ चुके हैं, तो चलते हैं अपने सर से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? मतलब कुछ पूल के बारे में बताइए सर, मतलब व्यूअर्स हमारे जानना चाहेंगे, मतलब एडमिशन कैसे लेना है और इसका एड्रेस बता देते तो। मंथली फीस जो है 4,000 रुपये है, और सीज़न का हमारा पैकेज जो है वो 8,000 रुपये का, 100 रुपये रजिस्ट्रेशन है, 50 रुपये का फॉर्म है आपका। बच्चों को यहाँ 3 साल से ऊपर बच्चों को लिया जाता है स्विमिंग में। अच्छा सर, और उसकी कोई सीमा नहीं है स्विमिंग की, ये हमारा फॉर्म है। तो गाइज आप लोग फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर ने बताया, मतलब सर सीज़न कब से कब तक चलता है? अप्रैल से अगस्त तक चलता है सीज़न हमारा। अच्छा, उसमें 3 साल के बच्चे स्विमिंग लेते हैं, बच्चों को उसकी कोई एज नहीं सीमा। तो गाइज मतलब सीज़न मतलब जब से तब तक चलता है, और बच्चे जो हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छे आते जो हफ्ते भर में सीख जाते हैं। अच्छा सर, सर एड्रेस बता दीजिए तो। हमारा ये गेट नंबर 3 है कॉलवेंस कॉलेज का। अच्छा सर, हाँ वहाँ से एंट्री है, बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है स्विमिंग पूल का हमारा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे, अगर कोई एक दिन के लिए करना चाहता हो मतलब, तो उसका कितना चार्ज? 500 रुपये का चार्ज है, गेस्ट फीस है। अच्छा, गेस्ट वाले का मतलब 1 घंटे का 500 जी। अच्छा सर, तो और महीने का सर मतलब 3,500 नहीं 4,000। अच्छा, 1 महीने का 4,500 है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, मतलब सर से हमने बात कर ली यहाँ पर, तो यहाँ पर बता रहे हैं मतलब सीज़न के हिसाब से भी स्विमिंग होती है, और अगर आप करना चाहते हैं तो महीने का भी कर सकते हैं, और अगर जो कोई गेस्ट आता है 1 घंटे का, वो 500 दे के यहाँ पे स्विमिंग कर सकता है। महीने का 4,000 है, और सीज़न का जैसे सर ने बताया अप्रैल से अक्टूबर तक चलता है। तो गाइस उसका आपको कॉस्ट अराउंड 8,000 रुपीज़ पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हैं आप पूल यहाँ पे कितना शानदार है, तो बहुत अच्छा कलर आ रहा है, ब्लू ब्लू कलर पानी। तो अभी हम लोग मतलब यहाँ पर जाने वाले हैं, यहाँ पर गाइस शावर लगा है। ये भी हमारे सौरभ भाई हैं, ट्रेनर हैं यहाँ पे। हम लोग भी जब यहाँ पे आए थे, हमें स्विमिंग एकदम नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने हमको सिखाया, तो अब सिखा चुके हैं। मतलब मुझे तो कभी नहीं लगता था कि मैं तैर पाऊँगा, लेकिन अब इन लोगों की वजह से यहाँ पे मैं तैरना भी सीख गया, और मैं डीप पे भी चला जाता हूँ, अब डूबता नहीं हूँ। और यहाँ पे मतलब जितने भी टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर है सबका, सबको इज्जत देते हैं, कभी मतलब कुछ मतलब किसी को डांटते भी नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको टाइम लगता है सीखने में। और गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंजिंग रूम भी है, फीमेल के लिए भी है, मेल्स के लिए भी है। मेल्स तो वैसे ज़्यादा जाते नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोग वहीं पे खड़े खड़े खुले में सबके सामने चेंज कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स अगर यहाँ पे आती हैं लेडीज़, तो फिर उनके लिए यहाँ पे चेंजिंग रूम है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वो चेंज कर सकती हैं आराम से, उसके बाद पूल में उतर सकती हैं। और गाइज़ नीचे यहाँ पे वॉशरूम है, तो जिसको वॉशरूम भी जाना है वो यहाँ पे आराम से जा सकता है। तो गाइज़ कुल मिला के मतलब यहाँ पे सारी चीज़ों की व्यवस्था है, और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे गाइज़ शावर लेने। शावर लेने के बाद हम लोग पूल में मिलेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग स्विम करते हैं। ये देखिए, हमारा एक दोस्त को ज़्यादा जल्दी थी, तो उसने नहा भी लिया, यहाँ पे शावर ले लिया। ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको नल चालू करके दिखाता हूँ। जैसे मैं नल चालू करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी गिरने लगता है, तो मैं बंद कर देता हूँ, ये तो फ़ोन भीग जाएगा मेरा, वाटरप्रूफ नहीं है। तो ये देखिए गाइस, स्विमिंग इसने स्टार्ट कर दी है शावर लेके, तो मैं भी अब जा रहा हूँ शावर लेने गाइस, उसके बाद आपको स्विम करते हुए वीडियोस दिखाऊंगा। तो गाइस आप पूल देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। ये हमारे प्रिंस भाई हैं, ये स्विम कर रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए स्विम करते हुए आ रहे हैं। तो गाइस मतलब पानी यहाँ पर देख कितना खूबसूरत लगता है ना, क्या बताऊँ, बस मन करता है बस ऐसे डूबे रहो, धूप से बचते रहो, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है अभी, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस मेरा एक दोस्त वहाँ पे है संजीत, वो रेडी हो रहा है, जल्दी करो संजीत भाई, कितना टाइम लगाओगे? तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे पूल में जाने के बाद। तो गाइस अभी मौसम बहुत सही हो गया है, धूप एकदम चली गई है, अभी देख सकते हैं अभी स्विमिंग पूल का कलर और भी खिल के आ रहा है अभी सामने। तो गाइस अब मैं आप लोगों को जा रहा हूँ डाइव मार के दिखाने। मैं यहाँ से डाइव मारूँगा 5 नंबर से, और 5 नंबर से फिर मैं जहाँ तक जा पाऊँगा वहाँ तक आऊँगा, ट्राई करूँगा उस तक जाने के लिए। तो अभी मैं फ़ोन दे रहा हूँ अपने दोस्त को, वो शूट करेगा। तो गाइस चलिए आप देखिए, भाई शूट करो। देखिए गाइस, पहले पोजीशन हम लोग को ऐसे लेनी चाहिए, नी को बेंड करना है और ऐसे लेनी करना है, और मैं गया।
तो गाइज अभी आप लोगों ने देखा मैंने वहां से डाइव मारी और मैं स्विम करके यहां पे आया हूं। तो गाइज मतलब अभी बबलिंग वाली प्रैक्टिस हम लोगों ने नहीं की है इसलिए अभी स्टैमिना उतना नहीं हो पा रहे, तो मैं आपको पूरा पूल क्रॉस करके दिखाता है अभी। तो अभी आप लोग ऐसा देख सकते हैं मेरी सांस भी फूल रही होगी। वहाँ पे मेरा दोस्त, उसको दिखाओ भाई, वो मतलब फ्लोटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ पे, स्टार फिश वाला जो बन रहा है। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे, अब बस अभी खाई हाथ दिखाओ और ये भाई देखो। तो ये गाइस यहाँ पे मतलब फ्लोट कर रहा था, इसके मुंह पे पानी चला गया, वहाँ पे हाई कर दो सबको देख के। तो गाइस मतलब बहुत मज़ा आ रहा है यार पानी के अंदर, एक बार घुस जाओ तो निकलने का मन नहीं करता फिर, एकदम लल्लन टॉप है। ठीक है भाई, एकदम लल्लन टॉप लग रहा है यहाँ पे आके। आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी हो गया है सनी। तो गाइस वो गाना भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस चलिए ठीक है, अभी आपको और जब बच्चे आएंगे तो मैं आपको उनकी वीडियो ऐड कर दूंगा, वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अबे भाई। तो गाइज हम लोग मतलब स्विमिंग करके बाहर आ चुके हैं पूल के, हम लोग फिर से अपने ड्रेस में आ गए हैं और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्लास करने। तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग, आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा और हमारे चैनल पे ऐसे ही व्लॉग्स आने वाले हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जो फिर या फिर जो मतलब जैसे स्विमिंग में इंटरेस्टेड है, जो स्विमिंग करना चाहते हैं लखनऊ के अंदर। तो गाइज़ ये उस हिसाब से बहुत बढ़िया पूल है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से पूल क्या दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है अभी। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं अब सारे लोग मतलब निकल चुके हैं पूल के बाहर, वैसे तो तीन ही थे क्योंकि मतलब पहले जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे बच्चे आते थे, 10-15 लोग हुआ करते थे हम लोग, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम ख़त्म होता जा रहा है बच्चे भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि गाइस मतलब जब कोई नई चीज़ होती है ना तो उसका इंटरेस्ट इंसान के अंदर ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा संख्या में आ रहे थे। जैसे जैसे वो लोग करते गए बहुत लोगों को नहीं मज़ा आया होगा शायद करने में, तो अब वो लोग मतलब किसी न कहीं कहीं ना कहीं पे बिज़ी हो चुके हैं तो इस वजह से वो लोग आ नहीं रहे हैं। तो आप यहाँ पर मतलब आसपास की सीन देख सकते हो, यहाँ पर भी एक वॉशरूम है अंदर मेल के लिए और उस साइड पर फ़ीमेल के लिए, वहाँ पर फ़ीमेल चेंजिंग रूम भी है, मेल चेंजिंग रूम भी है। और यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं लाइट्स भी लगी है यहाँ पे, मतलब शाम को भी शायद यहाँ पे क्लास चलती है 6-7, 7:30 बजे के आसपास, तो उनके लिए लाइट्स भी है यहाँ पे, आराम से लाइट्स जल जाती हैं वो देख सकते हैं आप लोग, तो ताकि रात को भी जो स्विम करना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। लाइफ गार्ड भी है यहाँ पे, फ्लोटर्स भी हैं, अगर बाई चांस कोई स्विमिंग करते हुए डूब जाता है या फिर अपना बॉडी बैलेंस वो खो देता है तो उसके लिए यहाँ पर सारी बंदोबस्त है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि मतलब जहाँ पे अभी मैं इस साइड पे खड़ा हूँ यहाँ पे अगर मैं पूल पे एंट्री लेता हूँ तो यहाँ पे 7 फीट गहरा है यहाँ पे पूल। जैसे जैसे हम लोग उस साइड जाते रहेंगे पूल की जो डेप्थ है वो कम होती जाएगी, वहाँ पे एकदम उसके अगर कोने पे बात करें तो कोने पे बहुत कम गहरा है। जैसे जैसे हम लोग इस साइड बढ़ते रहेंगे गहराई भी बढ़ती रहेगी और सबसे ज़्यादा डीप पॉइंट ये पे है जो कि 7 फीट का है। तो गाइज़ यही था आज हमारा व्लॉग, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। वहाँ पे मेरा दोस्त रेडी होके ग्रूम होके ग्रूमिंग व्रूमिंग करके तैयार है, मेरा वेट कर रहा है। तो गाइज़ चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड स्टे कनेक्टेड।